हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू लेयर्थ एजुकेशन। और आज आपके कमेंट का असर हुआ है। अभी मैंने पहले वीडियो में कहा था कि आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको और वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए, और मुझे बहुत लोगों के कमेंट मिले हैं, और उसी कमेंट की वजह से मैं ये वीडियो आपके लिए एक और अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि एग्ज़ाम जो है बहुत पास में आ रही है और जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड करें। तो आज अभी बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि कंजंक्शन से रिलेटेड वीडियो अपलोड करें, तो इसमें मैं आपको कंजंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले वीडियो के साथ। देखिए, यहाँ पे मैं आपको पूरा कंजंक्शन चैप्टर कवर करूँगा, और ये चैप्टर मैं दो वीडियो में कवर करूँगा। आपका ये पहला वीडियो होगा और इसके जस्ट बाद फिर एक और वीडियो होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो एक वीडियो में हम कवर नहीं कर सकते। तो चलिए, एक वीडियो अभी मैं ये आपको दे रहा हूँ और एक आपको कल मिल जाएगा। और इसी के साथ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिले, और पास में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक करें। चलिए अब हम आ जाते हैं कंजंक्शन पे। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, कंजंक्शन क्या होता है, जो दो सेंटेंस को आपस में जोड़ता है उसको हम बोलते हैं कंजंक्शन, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं एंड और बट के बारे में, कि एंड और बट को कब यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, पहला सेंटेंस जैसा कि लिखा है कि राम इज़ वेरी इंटेलिजेंट, फिर लिखा है ही गॉट द फर्स्ट डिवीज़न, ठीक है। अब यहाँ पर बात हो रही है कि राम जो है बहुत ही इंटेलिजेंट है, और यहाँ बात हो रही है कि वो फर्स्ट डिवीज़न लेके आया। तो इससे ये पता चलता है कि जो सेकंड सेंटेंस है ये वाला, ही गॉट द फर्स्ट डिवीज़न, ये फर्स्ट सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही बात कर रहा है। मतलब कि राम अगर इंटेलिजेंट है और अगर वो फर्स्ट डिवीज़न लेके आ गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर देखा जाए तो ये जो सेकंड सेंटेंस है ये फर्स्ट सेंटेंस के अकॉर्डिंग है, और अगर ऐसा होता है तो फिर हम वहाँ पर क्या लगाते हैं, एंड, ठीक है। तो राम इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड ही गॉट द फर्स्ट डिवीज़न, वो इंटेलिजेंट है और वो फर्स्ट डिवीज़न लाया, तो इसमें कोई विचार करने की बात नहीं है। तो ऐसे केस में हम क्या लगाते हैं, एंड। तो जब सेकंड सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन देता है तो हम एंड लगाते हैं, और जब सेकंड सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस के ऑपोजिट इन्फॉर्मेशन देता है, कैसी इन्फॉर्मेशन देता है, ऑपोजिट, तो हम क्या लगाते हैं, बट लगाते हैं। जैसे क्वेश्चन देखिए दो, राम इज़ वेरी इंटेलिजेंट, फिर लिखा ही फेल्ड इन द एग्ज़ाम। अब यहाँ पर ऑपोजिट इन्फॉर्मेशन है, राम इंटेलिजेंट है और वो एग्ज़ाम में फेल हो गया, तो यार ये तो उल्टा हो गया, ठीक है। राम इंटेलिजेंट है उसके बावजूद एग्ज़ाम में फेल हो गया, तो ऐसी जगह हम क्या बोलते हैं, लेकिन, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या आ जाएगा, बट। गॉट इट। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। द ड्राइवर वॉज थ्रोन आउट ऑफ द कार एंड ही डिड नॉट गेट हर्ट सीरियसली। अब देखिए, ये बोल रहा है कि द ड्राइवर वॉज थ्रोन आउट ऑफ द कार, जो ड्राइवर था ना उसको कार से बाहर फेंक दिया। फिर लिखा है एंड ही डिड नॉट गेट हर्ट सीरियसली, और उसे ज़्यादा सीरियसली हर्ट नहीं हुआ। तो अगर देखा जाए तो ड्राइवर को कार से अगर बाहर फेंका है तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके हाथ पैर टूट जाए, या फिर हो सकता है कि वो ज़्यादा ऊपर से फेंक दिया हो तो मर गया हो, लेकिन यहाँ पर वो बोल रहा है कि उसको ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं हुई। इसका मतलब ऑपोजिट इन्फॉर्मेशन, तो एंड को हटा के हम बट लगा देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, एरर हो गया। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। मिस्टर शर्मा इज़ द फास्टेस्ट रनर इन द कंट्री। यहाँ पे रनर की स्पेलिंग थोड़ी सी आप देख लीजिएगा, RUNNER, ठीक है, RUNNER। अच्छा हाँ, लास्ट वाला जो वीडियो था उसमें मेरे से गलती हुई थी, वो लास्ट सभी लोगों ने बोला है कि आखिरी में देखिएगा शुड नॉट, तो हाँ वो जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है, वहाँ पे मेरे से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, आप चेक कर लीजिएगा। तो चलिए, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि ये बोल रहा है कि राम, मिस्टर शर्मा इज़ द फास्टेस्ट रनर इन द कंट्री एंड ही केम लास्ट पोजिशन। तो अगर मिस्टर शर्मा जो है वो कंट्री के फास्टेस्ट रनर है तो फिर वो फर्स्ट आने चाहिए, जबकि वो लास्ट आ रहे हैं। तो यहाँ पे अपोजिट इन्फॉर्मेशन है, तो एंड को हटा के और हम यहाँ पे लगा देंगे बट, ठीक है। हाँ तो चलिए, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि आपके ग्रुप फोर जो है उसके प्रैक्टिस सेट जो है वो अवेलेबल है हमारे पास, सभी सब्जेक्ट के अवेलेबल हो रहे हैं, तो आप चाहें तो वो परचेस कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना होगा, 9977651282, ठीक है। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लेना तो आपको पता चल जाएगा, ताकि प्रैक्टिस सेट्स का फ़ायदा ये होता है कि एग्ज़ाम के पहले आपको एक आइडिया लग जाएगा कि भाई पेपर कैसा आना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जितनी गलतियाँ होगी वो सब आपकी यहीं हो जाएगी, तो एग्ज़ाम में जाने के बाद कभी भी गलतियाँ नहीं होगी, है ना। तो जितनी भी होगी सब यहाँ हो जाएगी, तो वो एक प्रैक्टिस सेट का फ़ायदा होता है, ठीक है। और हमने प्रैक्टिस सेट बिल्कुल हमारी निगरानी में बहुत अच्छे से बनवाए हैं, जैसा हम क्लास में पढ़ाते हैं उसी टाइप से, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं हम अगले कंसेप्ट पे। तो अगला कंसेप्ट देखिए, बोथ एंड। तो
तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, बोथ राम एज वेल एज सीता। तो मैं आपको बता दूं कि बोथ के साथ में हमेशा क्या लगता है, एज वेल एज नहीं लगता है, इसके साथ लगता है एंड। तो बोथ होगा उसके साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा, एंड लगाना पड़ेगा। तो बोथ राम एज वेल एज की जगह आ जाएगा एंड सीता, तो बोथ राम एंड सीता। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है कि यू कैन बोथ सी राम एंड सीता। तो देखिए राम एंड सीता यहाँ लिखा हुआ है और बोथ यहाँ लिखा हुआ है, तो ऐसा कभी नहीं होता है। ये जो बोथ होता है ये राम एंड सीता के जस्ट पहले होता है, तो इसमें क्या करें, तो इसमें ऐसा कीजिए कि ये जो सी है इसको आप लिख लीजिए पहले और ये जो बोथ है इसको लिख लीजिए बाद में। तो ऐसे केस में क्या होगा, यू कैन सी बोथ राम एंड सीता इन दिस पिक्चर। गॉट इट। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन लिखा है बोथ राम एंड सीता वर नॉट प्रेजेंट इन द पार्टी। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव होता है तो ऐसे सेंटेंस में हम बोथ का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने अनलेस वाला पढ़ा हो, तो अनलेस में हम लोग क्या करते थे, नॉट को हटाते थे, ठीक है। जब भी कभी अनलेस होता था तो अनलेस में हम लोग क्या करते थे, नॉट को वहाँ से रिमूव करते थे। तो उसी टाइम पे अगर आप इसी टाइप से अगर आपको किसी सेंटेंस में नॉट दिख जाए ना, तो उसमें से आपको इस बोथ को ही हटाना है। अब अगर आप बोथ को हटा भी देते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। राम एंड सीता वर नॉट प्रेजेंट इन द पार्टी, मतलब क्वेश्चन आपका वैसे भी सही हो रहा है, ठीक है। तो आपका एरर भी निकल जाएगा और सेंटेंस में गलती भी नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं। ही इज़ नोन फॉर बोथ हिज इंटेलिजेंसी एंड हार्ड वर्क। तो अब यहाँ पर लिखा ही इज़ नोन फॉर बोथ हिज इंटेलिजेंस एंड हार्ड वर्क। तो एक कंसेप्ट होता है कि बोथ और एंड के बाद में जो पार्ट ऑफ स्पीच आते हैं ये होना चाहिए बराबर। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है हिज इंटेलिजेंसी और यहाँ पर लिखा हुआ है हार्ड वर्क। तो इंटेलिजेंसी तो हार्ड वर्क कवर हो गया अपना, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा कौन आ रहा है, हिज़। तो ऐसा हीज मुझे एक इधर भी लिखना पड़ेगा, तब जाके वो बैलेंस बराबर होगा। तो ही इज़ नोन फॉर बोथ हिज इंटेलिजेंसी एंड हिज हार्ड वर्क, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। अब अगला लिखा हुआ है कि दो ही इज़ इंटेलिजेंट बट ही फेल्ड नो एरर, ठीक है। अब आप देखिएगा कि यहाँ पर जो लिखा है, हमको लगता है कि दो ही इज़ इंटेलिजेंट बट ही फेल्ड, जस्ट वन मिनट, है ना। बट हमको लगता है कि वह इंटेलिजेंट था फिर भी फेल हो गया, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो दो होता है, ये जो दो होता है इसके साथ कभी भी बट नहीं आता, इसके साथ आता है येट, या फिर आप एक कॉमा यूज़ कर सकते हैं, दो ही इज़ इंटेलिजेंट फिर कॉमा लगा दें और ही फेल्ड, या फिर दो ही इज़ इंटेलिजेंट येट ही फेल्ड, ठीक है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए अगला क्वेश्चन कंसेप्ट बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, जो कि आपका रिलेटेड है नो सूनर देन से, ठीक है। तो इसमें चार टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं एक एक टाइप करके क्लियर करता जाता हूँ। सबसे पहले देखिए ये जो नो सूनर होता है, इसके साथ हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कनेक्टर क्या लगा हुआ हो, देन, टी एच ए एन, ठीक है। तो नो सूनर के साथ कनेक्टर लगा हुआ होना चाहिए देन, टी एच ई एन नहीं, टी एच ए एन। दूसरा अगर हम बात करें तो नो सूनर जो होता है ना, इसके साथ में देन लग रहा है, ये बराबर है, तो इसके साथ में जो सेंटेंस होता है वो कभी भी अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं होता है। तो एक काम कीजिए, आप पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये नो सूनर है, नो सूनर के बाद लिखा द टीचर एंटर्ड, तो ये बिल्कुल गलत रहता है। नो सूनर द टीचर एंटर्ड गलत है, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। और नो सूनर के बाद में जो सेंटेंस होता है वो होता है इन्वर्जन फॉर्म में, इन्वर्जन का मतलब इंट्रोगेटिव जैसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसको ऐसा लिखेंगे, इसका इन्वर्जन बनाते हैं द टीचर एंटर्ड का, तो इसका इन्वर्जन बनेगा डिड, फिर आएगा आपका द टीचर और फिर आपको बनेगा एंटर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, द टीचर एंटर जो आपने लिखा था, ये द टीचर एंटर, ये गलत है, यहाँ पे इसमें एरर है कि भैया ऐसा कभी नहीं होता है। क्या आएगा यहाँ पे, डिड द टीचर एंटर्ड, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक और चीज़ देखिए आप, अगर नो सूनर के बाद में यहाँ पे देखिए देन सही है, ठीक है, डिड भी है द टीचर भी है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने लिखा एंटर्ड। तो मैं आपको बता दूं कि नो सूनर के बाद जो डिड आ गया आपका, तो इस डिड के बाद में एंटर्ड नहीं आएगा, फिर आपका क्या आएगा, एंटर। क्योंकि एक लॉजिक आपको शायद अच्छे से पता होगा और वो ये है कि डू डज और ये जो डिड होता है इसके जस्ट बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इनके साथ कभी भी सेकेंड फॉर्म का यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पर कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है चौथा क्वेश्चन नो सूनर। अब एक एक चीज़ हम चेक करते हैं, नो सूनर बराबर है,
देन बराबर है, डिड बराबर है, डिड के बाद में एंटर्ड, अच्छा ये गलती हो गई, तो द टीचर एंटर्ड के प्लेस पे वापस से क्या आ जाएगा आपका, एंटर। ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे हो गए, एक जैसे नहीं हुए। एक काम कीजिए आप, एक काम करो, ये एंटर्ड की जगह एंटर ही समझो आप, ठीक है। अब देखो इसमें एरर क्या, एंटर्ड भी है बराबर, देखो नो सुनर है, देन है, डिड है, एंटर है, सब कुछ बराबर है, लेकिन इसमें गलती है, स्टैंड लिखा हुआ है। तो नो सुनर डिड अगर यहाँ पर पास्ट फॉर्म है ना, तो पीछे भी पास्ट आएगी, तो स्टैंड के प्लेस पे आ जाएगा आपका स्टूड। गॉट इट, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी प्रकार से एक और कंसेप्ट होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ, वो होता है हार्डली स्केसली बेयरली। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि इनके बाद में या तो वैन आएगा कनेक्टर या बिफोर आएगा, ठीक है। हार्डली स्केसली बेयरली के बाद में या तो वैन या बिफोर। अब देखिए जैसे यहाँ हार्डली लिखा है ना, तो हार्डली के बाद में यहाँ चेक कीजिए देन, मतलब ये गलत है, इसकी जगह क्या आएगा तो कि बिफोर आएगा। गॉट इट, ठीक है। तो ये पहले में एरर हो गया कि देन हटाओ बिफोर लगाओ, दूसरे में देखो बेयरली आ रहा है, ठीक साहब। इसके बाद वैन, अच्छा वैन भी आ रहा है, यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन अब यहाँ आप देखिए यहाँ आ रहा है दे हेट, जबकि ये भी ऐसी चीज़ है बेयरली हार्डली स्केसली जिनके बाद में इन्वर्जन फॉर्म आती है, तो इन्वर्जन का मतलब इंट्रोगेटिव के जैसा, तो ये दे हेड नहीं होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा हेड पहले आ जाएगा फिर दे आएगा, तो यहाँ आपका होगा हेड और फिर होगा आपका दे, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन देखिए, स्केसली बराबर वैन बराबर शी हेड आ गया फिर, तो शी हेड नहीं होगा वापस से, यहाँ क्या होगा हेड पहले होगा फिर शी होगा फिर फिनिश्ड होगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए, अब इसका आधा वीडियो और मैं आपको कल प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो इसके लिए मिलते हैं हम कल, और आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक ज़रूर करें अगर अच्छा लगा हो, ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और मैं वीडियो आगे कौन से चैप्टर के बनाऊँ, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं कल।